आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यांमार के कोको आइलैंड के बारे में। अभी मैप के ऊपर जो पॉइंटर दिखाया गया है वहाँ पर एग्जैक्टली है कोको आइलैंड, यानी कि बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के कोस्ट से थोड़ा दूर। लेकिन अगर आप मैप को थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के ये काफी करीब है। आप सभी को पता है कि बे ऑफ बंगाल में भारत की एक आइलैंड चेन है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ईस्ट आइलैंड से ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर कोको आइलैंड के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो भारत को उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, और अगर ये मिलिट्री डेवलपमेंट है तो सडनली चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी आइलैंड की एक सैटेलाइट फोटोग्राफ देख रहे हैं, और इस फोटोग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट पहले से ही था, और पहले से एयरपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक रनवे स्ट्रिप है। ये रनवे स्ट्रिप 2400 मीटर की है जो पहले यूज में नहीं थी। पिछले कुछ समय में इसको रेनोवेट किया गया है, और रेनोवेशन के बाद में अब यहाँ से मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली आइलैंड्स पर जाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो शिप से या फिर एयरक्राफ्ट। ऐसे में अगर यहाँ पर केवल एयरपोर्ट बन रहा होता तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, और शायद किसी के भी कान नहीं खड़े होते। लेकिन जो चीज यहाँ पर देखने वाली है वो है एयरक्राफ्ट हैंगर्स। यहाँ पर फाइटर जेट्स को रखने के लिए दो एयरक्राफ्ट हैंगर्स बनाए गए हैं, और देखने वाली बात यह है कि ये हास हैं, यानी कि हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स। इन शेल्टर्स के अंदर अगर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है तो पास में गिरने वाले बॉम्ब से इनको बचाया जा सकता है, और ये चीज साफ इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में इस जगह को एक मिलिट्री बेस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। भारत के लिए ये आइलैंड बहुत ज्यादा क्रूशियल इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड के ये काफी करीब तो है ही, लेकिन भारत के स्ट्रेटेजिक नेवल बेस विशाखापट्टनम के ऊपर भी यहाँ से नजर रखी जा सकती है। और भारत की तरफ से जब भी कोई नई मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती है वो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से की जाती है, और उसके ऊपर भी यहाँ से नजर रखी जा सकेगी। यानी कि अगर इस आइलैंड के ऊपर मिलिट्री डेवलपमेंट किया जाता है तो ये भारत के लिए कई कंसर्न्स लेकर आएगा। और इससे पहले जब इस आइलैंड को रेनोवेट किया जा रहा था तो म्यांमार की तरफ से चाइना की हेल्प ली जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर चाइनीज फुटप्रिंट भी बढ़ सकता है, और अगर ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर चाइनीज फुटप्रिंट बढ़ता है तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी हो। फिलहाल के लिए इस आइलैंड के ऊपर ऐसे दो हैंगर्स बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में यहाँ पर और डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके खिलाफ भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर म्यांमार यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं, और अगर उनकी तरफ से इस आइलैंड को पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया भी जाता है तो भी भारत के पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हालांकि भारत यहाँ पर कंसर्न रेज कर सकता है और म्यांमार के साथ में चीजों को नेगोशिएट भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोको आइलैंड के ऊपर चाइनीज प्रेजेंस बन जाती है तो ऐसी सिचुएशन के लिए भारत को अपने ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। वैसे पिछली बार जब भारत सरकार की तरफ से म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ में ये कंसर्न रेज की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उनकी तरफ से जो भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो केवल रनवे कंस्ट्रक्शन, हार्डन शेल्टर और मॉनिटरिंग रेडार को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे फिलहाल के लिए ये समझना मुश्किल है कि म्यांमार का यहाँ पर क्या इंटेंशन है और क्यों इस आइलैंड के ऊपर उनकी तरफ से मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। अभी के लिए एक डेवलपिंग न्यूज है, और आने वाले समय में यहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट होंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग एक बेहतर सिचुएशन में होंगे ये समझने के कि एग्जैक्टली यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री जनता का इंटेंशन क्या है। क्या वो बे ऑफ बंगाल में एक बेहतर फुटप्रिंट चाहते हैं, या फिर आने वाले समय में यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।